हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और देखिए काल जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने का काम जो मैं ही करती हूँ, और यहाँ पर जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज बहुत जल्दीबाजी है, बहुत सारा काम भी है, पूजा भी है। आप सबको जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सिद्धार्थ का मुंडन है, तो आज पूजा होगा घर में, बहुत सारे मेहमान भी आएंगे। और देखिए अकेले मैं काम नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर दीदी जो है इधर वाला सारे गली रूम जो है वो सब धोई, उसके बाद जो हमारा आंगन है आगे का वो सब धो रही है और कर ही रहे हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, क्योंकि काम जो है अभी भी बाकी है हम लोग को करना। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम, मतलब काम धाम जितना था सुबह का करके हम लोग जो है सबको नहाकर आ गए हैं, क्योंकि आज पूजा है। और पूजा जो है सब नहीं, मैं मम्मी जी पापा जी मिलकर करूँगी और पंडित जी शायद आएंगे। और पूजा करीब हम लोग का पूजा करते जैसे ऐसे तो बोल कर रखे हैं कि 10 बजे तक पूजा हम लोग करके रेडी जो है कर लेंगे, लेकिन पता नहीं, बोलने से तो होता नहीं है फ्रेंड्स। तैयारी करने में टाइम लग ही जाता है, सबको पहुँचने में, सब कुछ का तैयारी करने में। तो जो भी है, हम लोग जितना जल्दी 10-11 बजे तक पूजा कंप्लीट कर लेंगे, उतना जल्दी फिर मेहमान आने का जो है वो तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी आ जाएंगे। और मेरे सिद्धार्थ के लिए बहुत खास दिन है फ्रेंड्स, तो आप सब भी मेरे सिद्धार्थ को खूब सारे आशीर्वाद दीजिएगा। और उसको फिर मुंडन करवाना है, और सिद्धार्थ ना बिल्कुल भी अपने बालों को किसी को छूने नहीं देता है, किसी को भी नहीं। और कैसे उसको मुंडन करवाना है वो तो बहुत बड़ा टेंशन का बात है। अगर वो सो जाएगा तो ठीक है, हम इस तरह में मतलब पकड़ के करवा लूँगी, नहीं तो थोड़ा जो है टेंशन रहेगा, मतलब करना तो है ही, तो किसी तरह मतलब भेला फुसला के उसको जो है बाल गंजा उसे करना है आज। और इसीलिए थोड़ा वो है। उसके बाद जैसे कि सब चीज़ का तैयारी, उतना जो उन लोगों का खाना बनेगा, मिस्त्री किए हैं खाना बनाने का, मिस्त्री वगैरह वो लोग किए हैं, तो वो भी टाइम होते रहेगा सब कुछ। और जितना मैं मतलब जितना मुझसे हो पाएगा मैं रिकॉर्ड भी करूँगी, आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। तो आप ज़रूर वीडियो मतलब लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर ना मैंने नहाकर आए हैं और अब थोड़ा बात की, उसके बाद देखिए अब सिद्धार्थ को भी नहलाना है, क्योंकि वो नहाने से पहले मस्ती कर रहा है। और यहाँ पर ना आलू चप लेकर आए थे, तो यहीं बच्चा सब खाएंगे, हम लोग आज घर के लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि पूजा है, तो जितना मेहमान है बच्चे सब है ये लोग खा रहे हैं। उसके बाद देखिए तैयारी जो है चल ही रहा है, यहाँ पर भिंडी, यहाँ पर जो है कैला में बड़ा वाला डेचकी में, इसमें चावल होगा और फिर ऐसे दाल भुजिया वगैरह होगा अभी, क्योंकि उसके बाद एक बार हम लोग घर के लोग खा लेंगे 11 बजे तक, उसके बाद ही जो है मिस्त्री बनाएंगे, तो वो शाम हो ही जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ ना नहा धो के जो है नया कपड़ा भी पहनकर तैयार हो गया है, और बाल में अभी शैम्पू करके ये नहाया है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिद्धार्थ का बाल ना अभी रहेगा नहीं कुछ देर बाद, और ये जो है पूरा टकलू मतलब गंजा हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स, हमारा जो है पूजा हो गया है, कुछ बाकी है और कर ही रहे हैं। अब सिद्धार्थ को जो है टकला होने का मतलब गंजा होने का टाइम हो रहा है, और देखिए सिद्धार्थ ने नया कपड़ा भी ये पहने हैं। और अभी जैसे कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये ठाकुर जो है आ गए हैं और सिद्धार्थ का शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कहीं सिद्धार्थ के सर पर चढ़ना लग जाए, लेकिन ये एक बार पता नहीं बहुत जिद कर रहा था, नहीं दे रहा था करने, उसके बाद ना ये आराम से दे देता है, आप भी देखिएगा, क्योंकि ये पता नहीं। और ये बाल जो है ना, इससे ना जैसे इसी तरह आंचल में जो है दादी या नानी जो भी रिश्ते में आएंगे उस तरह नानी दादी वो लोग ये करेंगे, मतलब इससे इसका बाल को आंचल से छानेंगे। और ये बाल जो है ना ये नदी में या तालाब में भसाते हैं, और मतलब कहीं यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे सिद्धार्थ जो है इसी तरह करते करते ना सो गया था, क्योंकि नहा भी लिया था ना तो सो भी गया और टकलू हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेहमान कुछ आ गए थे, कुछ बाद में आए, मतलब आ ही रहे हैं सब अपने अपने गाड़ी पे। और तो फिर यहाँ पर देखिए नाश्ता दे रहे हैं, और नाश्ता
उतना मतलब जो भी है यही सेवई जो होता है वो है, नमकीन है और मीठा है। तो फ्रेंड्स करीब अभी 1:30 बज गया है और बिल्कुल भी मुझे फ़ोन, मेरा फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा था, मतलब कुछ भी मैं रगड़ करूँ या क्या, मैं चुपके से अभी फ़ोन लेकर थोड़ा सा आप सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि अभी सारे मेहमान जो है आ गए हैं और घर में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो गए हैं और सिद्धार्थ भी खेल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं जितना दिखा पाऊँगी थोड़ा सा अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मायके की तरफ से आए हैं क्योंकि मेरे मायके की तरफ से ना कोई इतना दिन तक नहीं आए थे मेरे ससुराल। और तो फिर अभी जैसे कि मेरी माँ, मेरे मौसी, मेरे चाची सब, मेरे फूआ सब कोई आए हैं, सबको न्योता किए थे सिद्धार्थ के पापा घर, मतलब सबके घर जाकर इन्वाइट किए थे। और यहाँ पर देखिए मेरे दी भी आए हैं, अर्नब भी आया है, तो फिर सब लोग अभी आए हैं तो सबको नाश्ता पानी जो होता है वो सब हम लोग दे रहे हैं और सब बिजी है। और ये पर देखिए सब मेरे रूम में अभी बैठे हैं और सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि मेरा मौसी, मेरे फूआ, चाची सब एक साथ मिल जाते हैं ना, बहुत हंसी मजाक इन सब का चलता है। और यहाँ पर जितना जेंट्स हैं वो लोग बाहर में ही बैठे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, बहुत गर्मी था आज के दिन, तो फिर जेंट्स सब बाहर में ही हैं। कोई कोई अभी भी आ रहे हैं, मेरे बड़ी फूआ है ये अभी अभी आई है। और यहाँ पर फिर देखिए मेरा दी भी कुछ ना कुछ, ये ना थोड़ा आधा घंटा पहले आई थी, जैसे मेरे माँ सब आए उससे आधा घंटा पहले आई थी, तो कुछ कुछ काम करना भी शुरू कर देती है। और यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग मस्ती चल रहा था। और उसके बाद जो मैं बना रही थी ये है टमाटर का मीठा चटनी क्योंकि आप सबको पता ही है मेरा मायके बंगाल में है तो वो लोग मीठा, टमाटर का मीठा चटनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर ना कोई बना नहीं रहे थे क्योंकि बोल रहे थे नहीं तुमको आता है तुम ही बनाओ, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ तो अभी पकने दे रही हूँ। इसमें बस मतलब जैसे कि टमाटर का पानी सूख जाएगा ना तो उसे चीनी डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए इसी तरह मतलब चलते हैं क्या कुछ देर तक, ज़्यादा देर नहीं रुके थे ये लोग ना, 12:30 बजे तक आ गए थे, पहुँच गए थे और शाम 5-5:30 बजे तक निकल भी गए, मतलब गाड़ी रिजर्व करके आए थे बुलेरो वगैरह, तो फिर रुकेगा नहीं और रुकना नहीं था, आकर मतलब ऐसे मिलके और नाश्ता वगैरह खाना उना खाकर वो लोग चले जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मैं ना इतना ही दूर शायद रिकॉर्ड की हूँ, थोड़ा थोड़ा इससे बाद बहुत सारा रस्म था जो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ क्योंकि देखिए मैं बिजी थी, मुझे इतना ध्यान भी नहीं था जी सब चीज़ थोड़ा रिकॉर्ड करूँ क्योंकि बिल्कुल भी उस टाइम मेरा मतलब होता है ना जिनके घर में कुछ फंक्शन वगैरह होता है वो लोग खुद समझ सकते हैं। और उसके बाद मतलब सब कुछ होने के बाद जो है अब लास्ट में खाना पीना होंगे, तो छत पर जेंट्स लोग जो है बैठ गए हैं खाने के लिए और यहाँ पर हमारे गली में ही ना लेडीज़ लोग बन जाएगा खाने के लिए बैठ के ज़मीन में। और यहाँ पर देखिए पापड़ जो है तल रहे थे मेरे एक चाची जी, तो उन्होंने पापड़ तल ही रहे हैं क्योंकि पापड़ जो है पहले छान कर रखते ना तो शायद थोड़ा महा जाते, इसी वजह से गर्मा गर्म तल तल के जो है अभी देंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत काम जो भी बाकी है मिस्त्री लोग तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों साड़ू जो है आशी के पापा और मनीषा जी के पापा तो ये लोग भी लगे गए हैं क्योंकि मिस्त्री भी हो जो भी हो हमारा ना खाना बनने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। करीब खाना खाए जितना मेहमान मतलब दोपहर का खाना जो है शाम के 4 बजे तक खाए हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फिर भी टाइम निकाल कर मैं थोड़ा सा आरब को गदी ली हूँ क्योंकि ये मौसी मौसी कर रहा था और मुझे ध्यान ही था, तो थोड़ा समय अभी आप सबको दिखा रही हूँ। और ये अरब आया, अरब और नब और मेरे दीदी और जीजा जी जो है आए हैं। और और फ्रेंड्स सब जगह ही ये रस्म जो है शायद होता ही होगा क्योंकि देखिए बच्चा एक आता है घर में तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होता है, तो इसी वजह से एक बार नानी के घर से सब लोग का एक बार आते हैं, जितना मेहमान है सबको बुलाते हैं और सब लोग ऐसे सुधे हाथ नहीं आते हैं, कपड़ा लाते हैं बच्चा का, बच्चे के लिए सोना चांदी जो भी जिनका जितना समर्थ रहेगा उस हिसाब से सब अपने अपने लाते हैं। और यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए भी सबको ही ला दिए हैं मेरे मायके की तरफ से, जितना आए हैं मेरे चाची फूआ मौसी सब कोई कुछ ना कुछ, मेरे दी माँ सब ने कुछ ना कुछ ला दिए हैं सोना चांदी। तो फिर कभी मैं आप सबके साथ
खाऊंगी भी, मतलब शेयर भी करूंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता अभी कर पाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा टेंशन भी है इस वजह से। तो मुझसे जितना हो पाया, इससे तो बहुत सारा रस्म हुआ था लेकिन मैंने वीडियो जो है नहीं बनाया। और यहाँ पर देखिए लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं ये लोग ना, अब विदा होंगे, मतलब चले जाएंगे, शाम भी हो गया है। और ये लोग देखिए एक दूसरे से पैर छू रहे हैं, और इसके बाद ना ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए गाड़ी वाला को भी बोल कर आए हैं इतने बजे तक निकलना है, तो वो लोग भी कितना ज़्यादा वेट करेंगे, ऐसे भी 2 घंटा तक लेट हो ही गया है। और तो इसी तरह फिर लास्ट में एक बार सबसे बातें चीते, और सबको जितना लोग उधर से आते हैं सबको मेरे ससुराल के तरफ से कपड़ा दिए जाते हैं, जितना लेडीज़ आते हैं पहली बार आते हैं, तो उसी तरह होता है फ्रेंड्स। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आपके, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उस जगह पे किस हिसाब से ये रस्म होता है, और इसे क्या कहते हैं। इसे सिद्धार्थ का मुंडन था, और तो फिर इसी वजह से ये फंक्शन था हमारे घर में छोटा मोटा। तो जो भी हो फ्रेंड्स, अच्छे से ये सिद्धार्थ का मुंडन जो है पार हो गया, और अच्छे से सब कुछ भी हो गया है, और ये लोग विदा हो रहे हैं। और इस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इतना जल्दीबाजी था आज ना, किसी के साथ मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाई हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए मैं वहाँ पर गई हूँ थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है मेरी दी जा रही है उस वजह से, वो भी आई थी वो भी चले जाते हैं, और तो फिर बुरा लगता ही है, लेकिन फिर आना और जाना ही रहता है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि सिद्धार्थ मेरे माँ को मिल गया ना, वो छोड़ ही नहीं रहा था, बहुत रो रहा था, लेकिन क्या करें, फिर उसी तरह करके सिद्धार्थ को मैंने रख लिए। और माँ जो है, माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और वो भी जो है चली जाती है। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे कि मेरे दी के बच्चे हैं, तो वो लोग भी माँ को छोड़ा ही नहीं अपने गाड़ी में, वो लोग का अपना कार है, तो अपना कार में बैठा कर ही कुछ देर तक ले गए। उसके बाद कहीं जहाँ रोड, मतलब दो गाड़ी, जब दो लोग जो दो जगह पे जाएंगे ना, तो उस टाइम फिर मेरी माँ जो है गाड़ी बदल कर लेंगे। और इसी तरह करके सारे देखिए सिद्धार्थ भी यहाँ पर बाय बाय कर रहा था। और यहाँ पर ना इसीलिए देखिए ये वाला गाड़ी जो है मेरे दी का है, और बाकी बुलेरो वगैरह जो है ना वो मेरे मायके के तरफ से जितना लोग है, और फिर एक गाड़ी जो है मेरे मौसी का है। तो इस तरह करके सब लोग अपने अपने घरों से आए थे, बस मेरे मायके के चाची लोग जो है ना वो लोग एक साथ आए थे एक गाड़ी में, और सब लोग चले जाते हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए मेरे मौसी, बड़ी मौसी है, मतलब मौसी सास मेरे सिद्धार्थ के पापा का मौसी है, तो ये लोग भी, शाम हो गया था थोड़ा सा, तो ये लोग भी अभी निकल रहे हैं, कोई मेहमान नहीं रहते हैं, सब कोई ना चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बिजी होने के बावजूद भी जितना हो सके मैं थोड़ा बहुत करके आप सबके साथ शेयर की, और वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।